खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई, बिजनौर में भी हुई। बिजनौर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कई सालों तक मायावती के साथ बीएसपी में रह चुके हैं। सिद्दीकी साहब का वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप लगे कि आज भाषण देकर सिद्दीकी ने वोटरों को भड़काया है। क्या है इसका सच, एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की। 30 करोड़ किस बात के हैं? किस बात के 30 करोड़ हैं? ये इस बात के हैं कि जब तक गठबंधन नहीं हुआ था तब तक को यानी दलितों को बेचा जा रहा था, और गठबंधन के बाद आपको बेचा जा रहा है। ये 30 करोड़ आपके वोट की खरीद है। बीएसपी प्रमुख मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बिजनौर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। आज नोट कर लो, जिस दिन गिनती होगी दूसरे दिन सबसे पहले तुम्हें गाली दी जाएगी। दूसरे दिन सबसे पहले तुम्हें गाली दी और तीसरे दिन अगर इनकी पूरी यूपी में 2-3-4 जो भी एमपी जीत गए, अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जरूरत पड़ी अगर वहां जाके ना बैठ जाए तो मेरे दोस्तों मुझे फिर अपने घर में कभी गांव में घुसते मत देना। मैं जानता हूं बहन जी को जितना मैं जानता हूं, बहन जी भी अपने आप को नहीं जानती। वायरल वीडियो के बारे में पड़ताल से पहले आपको बता दें कि एक जमाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के सबसे खासम खास नेताओं में से एक थे। बीएसपी में कई लोग उन्हें मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत से देखते थे। अब इस वीडियो में मायावती को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दावा ये भी कि ये आज का ही वीडियो है। हमने अपनी पड़ताल यूपी के बिजनौर से ही शुरू की। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र में एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा उसी मस्जिद के बाहर पहुंची जहां का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। यहीं पर ही वो मौजूद थे क्योंकि पीछे जो ये ब्लू कलर का आप ये देख सकते हैं जो ये पानी पीने की जो टंकी है वो यहाँ पर यहीं पर दिखाई दे रही है। साथ में ये जो पीछे के जो घर है, ये जो गली है वो यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही है उस वीडियो में, और एग्जैक्टली इसी जगह पर वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वायरल वीडियो बिजनौर के मंडावर का ही है, लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है कि आज वोटिंग के दिन ही उन्होंने ऐसी बात कही। हमने मस्जिद के बाहर लोगों से बात भी की। वो आज की घटना थी या इससे पहले की घटना? वो आज की नहीं थी बल्कि जुमे के दिन की थी, 5 अप्रैल की थी, और जुमे के दिन तकरीबन 2 बजे के आसपास वो आए थे और वो यहीं बाहर खड़े हुए थे और यहीं अपनी सभा लोगों से बातचीत कर रहे थे। जी आज की नहीं थी। ठीक है, आप थे उस वक्त, आप में से कौन था? आप थे उस वक्त? हम थे। वो फ्राइडे के दिन आए थे वो लोग और फ्राइडे में उन्होंने बात की थी जुमे के बाद। हमारी पड़ताल में बीएसपी प्रमुख मायावती पर टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाला नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो सही साबित हुआ है, लेकिन ये आज का नहीं है बल्कि पिछले शुक्रवार का है।